एक छोटी परी जो संगीत में बहुत रुचि रखती थी और जंगल में रहती थी, जिसका नाम लिलित था। अपने खाली समय में उसने जंगल के जादुई प्राणियों के साथ नृत्य किया। एक दिन जब ललित खेल रही थी, उसे अचानक द नेक्स्ट क्वीन सिलेक्शन समारोह में भाग लेने का निमंत्रण मिला, जो केवल संभावित वंशजों के लिए था। ललित को पूरे लोगों के सामने प्रकाश के नए वंशज के लिए गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि ललित को भीड़ भरे स्थान पसंद नहीं थे, वो सहमत हो गई क्योंकि वो सभी को निराश नहीं करना चाहती थी। सड़क पर चलते हुए ललित ने पक्षियों के साथ गाने का अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी मधुर आवाज इतनी सुंदर थी कि एक अजीब प्राणी ने उसे गलती से सुन लिया और उसके गाने पर नाचने लगा। हालांकि उस प्राणी की उपस्थिति ने ललित को चौंका दिया और महान समारोह में हंगामा हो गया। इसने सारा, एक गर्भित महिला पक्षी और सिंहासन के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार, उसे बहुत क्रोधित किया। ललित, तुम क्या कर रहे हो? आपने जंगल के महत्वपूर्ण समारोह को बर्बाद कर दिया। मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब ये नहीं था। अभी मैंने एक अजीब प्राणी को देखा, इसलिए मैं गलती से यहाँ गिर गई। क्या प्राणी, मूर्खतापूर्ण बहाने बनाना बंद करो। वैसे भी आपको इस समारोह को बर्बाद करने के लिए दंडित करना होगा। जबकि सारा ललित को धमकाने वाली थी, अचानक प्रकाश की जादू का और, जो कि रानी के उत्तराधिकारी का चुनाव करता है, उसने ललित की ओर उड़ान भरा और उसे अगली रानी के रूप में चुना। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, विशेष रूप से ललित को। मैं अगली रानी के रूप में चुनी गई हूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई मैं इस स्थिति को कैसे पकड़ सकती हूँ? सही, प्रकाश का जादू की ओर अगली रानी के रूप में ललित की तरह एक शर्मिली को चयन कैसे करेगा? अब तक प्रकाश का जादू की ओर हमेशा उस व्यक्ति को चुनती है जिसके पास एक महान नेता के गुण हो। इसलिए हालांकि लोग ललित को अंतर्मुखी या शांत पाते हैं, मेरा मानना है कि ललित को अगली रानी के रूप में चुनने के लिए प्रकाश के जादू की ओर के लिए एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि ललित प्रकाश के मैजिक ऑर्ब के फैसले के बारे में उलझन में थी, क्योंकि उसने खुद को उतना प्रतिभाशाली नहीं पाया जितने बाकी के उम्मीदवार थे। इससे पहले कि जंगल की रानी ने ललित को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया, उसे पता चला कि जादू की गेंद में कुछ दरारें हैं। या ये है क्योंकि जादू की ऑर्ब फटा हुआ है, इसलिए ये सही तरीके से चुनने के लिए पर्याप्त जादू नहीं है। ये वास्तव में फैसले को प्रभावित नहीं करता है। वो सही है, हो सकता है कि टक्कर के बाद प्रकाश के जादू की ऑर्ब ने अनंत प्रकाश का हिस्सा खो दिया, इसलिए गलत व्यक्ति को चुना गया हो। इसके अलावा अगर हम प्रकाश के जादू की रोशनी को शाश्वत प्रकाश को खो देते हैं, तो जंगल अंधेरे में घिर जाएगा। इसलिए मैं ऑर्ब से जादू को ठीक करने के लिए अनंत प्रकाश को ढूंढना चाहती हूँ और पुष्टि करना चाहती हूँ कि अगली रानी कौन है। मैं भी चाहती हूँ इसे फिर से परिभाषित करने के लिए। ठीक है, यदि आप यही चाहते हैं, तो जादू के झरने पर जाए और ऑर्ब के लिए अनंत प्रकाश खोजे। इसके बाद ललित और सारा शाश्वत प्रकाश को खोजने के लिए निकल गए। वो एक अंधेरे भूल भुलैया के लिए उड़ गए और विशाल कांटों द्वारा रोके गए। सारा ने तुरंत एक रास्ता खोजने के लिए उड़ान भरी, लेकिन यहाँ के पेड़ भी तेजी से आगे बढ़े। सारा गुस्से में थी और पेड़ों को जलाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन पेड़ों को कुछ भी नहीं हुआ। सारा प्लीज रुक जाओ, सभी जीवित जीवों में जीवन है, इसलिए कृपया उन्हें नष्ट न करें। आपको कुछ भी नहीं पता, हमें जितनी जल्दी हो सके भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। जबकि ललित परेशान थी, क्योंकि वह सारा के कार्यों को नहीं रोक सकती थी। उसे अचानक पता चला कि जंगल में कुछ कछुए हैं। सारा, मुझे हमें यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका मिला है। क्या, क्या आपके पास एक रास्ता है? ऐसे कछुए हैं जो मेरे दोस्तों के समान हैं, और कुछ कछुए आमतौर पर गीले स्थानों में रहना पसंद करते हैं। अगर ऐसा है तो शायद वे हमें भूल भुलैया से निकाल के झरने तक ले जाए। हालांकि उसे शक जरूर हुआ, सारा भी जानती थी कि ललित अक्सर जंगल के जीवों के साथ खेला करती थी, इसीलिए उसने ललित की बात मानी और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना बंद किया और ललित के पीछे आ गई। जैसा कि सोचा गया था, वो उस भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हम जादू के झरने तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यदि आप मेरे झटके से नहीं गिरती तो आप इन छोटे कछुओं को नहीं देख पाती। ललित की मदद को स्वीकार नहीं करते हुए सारा ने झरने के करीब उड़ान भरी।
जहां भगवान जो गुफा के दरवाजे की रक्षा करते थे सो रहे थे। उठो बूढ़े आदमी, मुझे उस स्थान की कुंजी दो जहां अनंत प्रकाश रखा गया है। दूर हो जाओ, मैं सो रहा हूँ। बूढ़े आदमी, मैं जल्दी में हूँ, इसलिए आप इस समय सो नहीं सकते। जल्दी से मुझे कुंजी दे। हीरे से पूछने के बजाय सारा ने अपमानजनक रूप से काम किया और भगवान को परेशान किया, जिससे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने सारा को कोने में गिरा दिया। ललित स्वभाव से डरपोक थी। जब उसने गुस्से में भगवान को देखा तो उसने छुपने की योजना बनाई। हालांकि उसका काम अभी भी अनंत प्रकाश को खोजने का था, इसीलिए उसने भगवान से पूछने के लिए अपने सारे साहस का इस्तेमाल किया। क्षमा करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत कष्टप्रद है। क्या मैं सो नहीं सकता? लिलिथ ने एक पल के लिए सोचा और फिर महसूस किया कि भगवान गुस्से में थे, क्योंकि उनकी नींद बाधित हो रही थी। इसीलिए उसने भगवान को शांत करने के लिए एक मधुर गीत गाया। छोटी परी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी सुंदर और कमाल की आवाज होगी। हाँ, ये मेरी प्रतिभा का एक छोटा सा है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास है। नहीं, आपका गाना सच में कमाल का है। मेरा मानना है कि ये भविष्य में आपकी ज्यादा मदद करेगा और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं भी आपकी आवाज को फिर से सुन पाऊंगा। अब जल्दी से आइए और अनंत प्रकाश को खोजने के लिए जल्दी कीजिए। धन्यवाद। भगवान धीरे धीरे शांत हो गए, संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और ललित के लिए सोने के लिए जारी करने से पहले झरने में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया। जैसे ही ललित ने गुफा में उड़ान भरी, उसने दूर अनंत प्रकाश को देखा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचने वाली थी तो सारा ने उड़ान भरी और रोशनी डाली। हालांकि सारा लंबे समय तक खुश नहीं थी जब उसे अचानक एक प्राणी द्वारा हमला किया गया। कौन हो? मुझे बाहर निकालो। हुआ ये कि ये लोमड़ी भगवान थे, अनंत प्रकाश के संरक्षक, और ये वही छाया थी जो ललित ने समारोह के दौरान देखी। लेकिन इस बार लोमड़ी भगवान उतना खुश नहीं थे जितना वो पहली बार मिले थे। जब उन्हें ये पता लगा कि किसी ने प्रकाश को ले लिया है, वो बहुत गुस्से में थे। ललित ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन गॉड फॉक्स ने उसे उड़ाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। उस समय उसने गलती से गुफा में क्रिस्टल के फूलों को छुआ, जिससे मजाकिया आवाज पैदा होने लगी। जब उन्होंने संगीत सुना तो अचानक लोमड़ी भगवान शांत होने लगे और उनकी धुन पर थिरकने लगे। ये सही है, पहली बार जब हम मिले लोमड़ी ने भी मेरी आवाज सुनी और उसने उत्साह के साथ नृत्य किया। फिर ललित ने चारों ओर मंडराना शुरू कर दिया, लोमड़ी को शांत करने के लिए फूलों पर आवाज करने की कोशिश की। अंत में लोमड़ी भगवान फिर से खुश हो गए और ललित के स्थान पर चले गए। तो आपको मेरा संगीत पसंद है? यदि आप मेरे दोस्त को छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए और अधिक संगीत बजाऊंगी। ललित के सुझाव को सुनने के बाद लोमड़ी भगवान ने सिर हिलाया और सारा को छोड़ दिया, साथ ही उसे जादू का अनंत प्रकाश भी दे दिया। ललित, आपने अनंत प्रकाश को खोजने के लिए अपनी यात्रा के माध्यम से अपने परिवर्तन और परिपक्वता को साबित किया है। डर को दूर करने और समझाने की क्षमता से और डर को दूर करने के लिए साहस, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप अपने विरोधियों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, इसलिए आप अगली रानी के सिंहासन के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैंने भी धीरे धीरे अपनी क्षमताओं का एहसास किया है और भविष्य में उन्हें आत्मविश्वास से विकसित करना जारी रखूंगी। लेकिन अनंत प्रकाश ने ऑर्ब के अंदर प्रवेश करने के बाद सारा ने जल्दी से ललित पर हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और जादू की ऑर्ब को चोरी करने के लिए उड़ान भरी। ठीक है, भले ही लाइट का मैजिक ऑर्ब, मैं उन दोनों को नीचे ले जाऊंगी ताकि कोई भी इस रहस्य के बारे में नहीं जान पाए। हाथ में अंतिम शक्ति होने के बाद सारा ने ललित पर जादू छोड़ दिया। लोमड़ी भगवान ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन वो हार गए। अंत में जब सारा ललित के लिए एक अंतिम झटका देने वाली थी
तो लोमड़ी भगवान ने लिलित के लिए प्रकाश के जादू की ऑर्ब को फिर से हासिल करने का मौका पाने के लिए झटक दिया। लिलित ने जल्दी से ऑर्ब को पुनः प्राप्त किया और सारा को हराने के लिए उसके शरीर से बहने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके बाद ललित जल्दबाजी में लोमड़ी भगवान के पास गई, लेकिन लोमड़ी का शरीर धीरे धीरे गायब हुआ। ऐसा लग रहा था कि लोमड़ी भगवान हमेशा के लिए चले गए हैं, लेकिन ये ललित की रक्षा के लिए एक हल्के जादू की गेंद की आत्मा में बदल गए। ललित ने खुशी से अपनी बाहों में लोमड़ी की आत्मा को गले लगा लिया। उसके बाद वो और लोमड़ी सारा को वापस जंगल में ले गए और पूरी कहानी बताई। अगली रानी को चुनते समय लाइट का मैजिक बॉल हमेशा सही होता है, इसलिए मेरा मानना है कि आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी और आप स्थिति के बिल्कुल लायक हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लिलित की तरक्की को देखते हुए जंगल के लोगों ने खुशी से उससे आशीर्वाद लिया। तब से लिलित नई रानी बन गई और जंगल के लोगों के लिए समृद्धि की स्थापना की। एक बार एक ऐसा युग था जिसमें राक्षस वास्तव में शक्तिशाली थे। वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए चारों ओर थे और लोगों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग तरीके खोजने पड़ते थे। उस समय रानी ने एक प्यारे जुड़वा राजकुमारी को जन्म दिया। बड़े को नाम मिला एजेल और छोटे को नाम मिला अजेलिया। तब एक परी आई और एक भविष्यवाणी लाई कि दोनों बहनें राक्षसों के शक्तिशाली युग को समाप्त कर देंगी। उसने उन्हें शक्ति और एक ऑर्ब का आशीर्वाद दिया, जिसने महल को कवर करने के लिए एक ढाल बनाई। राक्षसों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने से पहले राजकुमारियों को कभी भी इस ढाल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। भविष्यवाणी के बारे में सुनकर राक्षसों ने दो राजकुमारियों को नुकसान पहुंचाने के सभी तरीकों के बारे में सोचा। जब वे 10 साल की हो गई और वो बगीचे में खेल रही थी, तब एक अजीब खरगोश दिखाई दिया। वास्तव में उत्साहित होने की वजह से एडेलिया ने तुरंत खरगोश का पीछा किया। एडेलिया, आपको बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है। एडेलिया, इसका पीछा करना बंद करो, आप संरक्षण शील्ड से बाहर जा रहे हैं। ये ठीक है, मैं इसे पकड़ने के बाद वापस आ जाऊंगी। जैसे ही राजकुमारी एडेलिया ढाल से बाहर निकली, काले धुएं का एक निशान अचानक उठ गया और उसे उड़ा ले गया। ओ नो, एडेलिया! एडेलिया को खोजते हुए सब कोई दुखी थे। एडल ने खुद से कहा कि उसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। समय बीत गया, एडल एक बहादुर और मजबूत राजकुमारी बन गई। उसने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जो परी ने उसे राक्षसों को खत्म करने और सभी की मदद करने के लिए दी थी। बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करते हुए अडेल हमेशा थकावट के साथ वापस आती। अचानक उसने एक अजीब व्यक्ति को देखा जो कमरे में बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। मेरी थकान भ्रम भी पैदा करती है। बहन एडेलिया, क्या ये वाकई तुम हो? आप उन वर्षों में कहाँ हैं? क्या राक्षसों ने आपको कुछ भी नुकसान पहुँचाया है? हर कोई आपको बहुत याद करता है एडेलिया। अडेल को जवाब दिए बिना उसने अचानक अपनी बहन को गिरा दिया। दानव राजा के शब्द के बाद उसने अपनी बहन की आत्मा को खींच लिया और फिर वो संरक्षण ऑर्ब को नष्ट करने के लिए चली गई। उस समय सभी राक्षस बाहर इंतजार कर रहे थे। आपने एक साथ दोनों राजकुमारियों की शक्तियों को क्यों नहीं खींचा? अब आपको एक मानव के बच्चे को पालना पड़ेगा। तुम बेवकूफ हो, वो शक्ति मेरे खिलाफ है। आप चाहते हैं कि मैं उसे खींच लूं? इसके अलावा केवल मानव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मानव ही उस ढाल को पार कर सकता है। इसलिए मैं एडेलिया के मन पर काबू पाऊंगा ताकि वो मेरे लिए सब कुछ करे। जब सब कुछ हो जाएगा तो ना मैं केवल एक महल बल्कि एक शक्तिशाली हथियार भी पा सकता हूँ। शील्ड के गायब होने के बाद राक्षसों ने हमला करने के लिए अंदर की तरफ दौड़ लगाई। हाँ?
उन्होंने महल का नियंत्रण लिया और सभी मनुष्यों को पकड़ लिया। सबसे बुरे सपने में वो कभी भी ये उम्मीद नहीं करेगी कि मेरे खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जो हथियार बनाया वो मेरा ही शक्तिशाली हथियार होगा। उस रात अपने सपने में अडेलिया ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अडेलिया। उसने देखा और वो अडेल के करीब आ गई। अडेलिया, क्या आपको कुछ याद है? आप एक राजकुमारी है, आप राक्षसों की मदद क्यों करते हैं? आपकी जिम्मेदारी उन्हें बाहर करना है। दानव राजा हमेशा कहते हैं कि मानव वास्तव में चालाक है। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं मेरे शरीर को लेने के लिए। सही है, उस बारे में कभी सपने मत देखो। अडेलिया तुरंत अडेल पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँच गई। सालों तक राक्षसों के खिलाफ अडेल के लड़ने के अनुभव के साथ अडेलिया कभी भी अपनी बहन को नहीं हरा पाती। अडेल द्वारा अडेलिया को जल्दी नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि उसे खत्म करने के लिए अडेल ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया। गले लगाने की वजह से अडेलिया ने अपने बचपन की सभी यादों को याद किया जो राक्षसों ने मिटा दिया था। एडेल, मैंने अभी क्या किया? मुझे माफ करें। ये ठीक है मेरे प्रिय, ये अच्छा है कि आपको सब याद है। हम अभी भी इसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही में हम राक्षसों को हरा देंगे और सभी को बचाएंगे। अडेलिया इसके बाद जाग गई। अडेलिया, आप अभी भी मुझे सुन सकते हैं, है ना? मैं तुम्हें अपनी शक्ति उधार दूंगी। हम एक साथ दानव राजा को खोज लेंगे। हाँ, साथ में हम राक्षसों के इस शक्तिशाली युग को समाप्त कर देंगे। अडेलिया का नया अंदाज देखकर दानव राजा को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो बहुत खुश था और उसने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। अडेलिया, यहाँ देर हो चुकी है, आप आराम क्यों नहीं करती? लेकिन आप यहाँ आई हैं मुझे ढूंढने, क्या वहाँ कुछ हुआ है? दानव राजा, अभिनय बंद करो, तुमने मुझे अपने हाथ के अंदर एक कठपुतली बना दिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या अडेल की आत्मा ने आप पर नियंत्रण कर लिया है? हा? क्या आप मेरे शब्दों को भूल गई हैं? मानव वास्तव में चालाक होते हैं। बहाना बनाना बंद करें, मुझे सभी चीजें याद आ गई है। आज आपने जो किया उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। तुरंत उसने दानव राजा पर हमला किया। दानव राजा वास्तव में मजबूत था और अडेलिया को उसने जमकर टक्कर दी। अडेलिया, शांत हो जाओ, गुस्से को अपने दिमाग को नियंत्रण न करने दो, बस उसकी कमजोरी खोजने के लिए ध्यान से निरीक्षण करें। अपनी बहन के निर्देश के बाद अडेलिया ने हमला करना बंद कर दिया। उसने बस चकमा दिया और जब वो हमला कर रहा था तो उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद दानव राजा ने आखिरकार अपने कमजोर स्थान को उजागर कर दिया। अडेलिया, अब दोनों बहनों की शक्ति और बुद्धिमानी के साथ अंत में दानव राजा हार गया। अपने नेता को खोते हुए देख राक्षस डर के मारे भाग गए। बचाए जाने के बाद अडेलिया को देखकर राजा और रानी वास्तव में खुश थे, लेकिन जब उन्होंने अडेल से पूछा तो उनका मूड खराब हो गया। अडेलिया ने उन्हें पूरी कहानी बताई क्योंकि अडेल की आत्मा को उसने खींच लिया था। मैंने उसे पहले बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, शायद उसने मुझे ये शरीर दिया। मुझे क्षमा करे, ये सब मेरी वजह से है। नहीं अडेलिया, ये आपकी गलती नहीं है, आप बस राक्षसों के चंगुल में थी, वो बहुत चालाक होते हैं। उसी सही समय पर परी गॉड मदर दिखाई दी। हाँ? मुझे सब कुछ मिला लेकिन मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकी, इसलिए मैं केवल उसके शरीर को रख सकती थी। मैं उसकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये वास्तव में काफी दर्दनाक होगा। अगर मेरी बहन वापस आ सकती है तो मैं ये सब ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं तुरंत शुरू कर दूंगी। कुछ समय बाद अंत में अडेल की आत्मा अलग हो गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अडेल जागी और सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तब से वे खुशी से रहने लगे।
दोनों राजकुमारियों ने पाया कि एक साथ वो लोगों को शांतिपूर्ण जीवन दे सकते थे और दानवों को हरा सकते थे। ये एथन है, मृत्यु का एक युवा देवता। वो मृत्यु के देवता बनने के कौशल को सीख रहा था और मृत्यु का चुंबन वो पहला कौशल था जो उसे सीखना था। एथन के पिता भी मृत्यु के देवता थे। वो एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता थे। एथन कल 18 साल का हो जाएगा। मुझे उसके पास जाकर देखना होगा कि उसने कितने अच्छे से मृत्यु के चुंबन के उसके पहले मिशन की तैयारी की है। पिताजी, आपके पहले मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? मैं तैयार हूँ पिताजी। हालांकि इस पुस्तक में ये कहा गया है कि केवल जब मैं 1000 आत्माओं को इकट्ठा कर लूंगा तो ही दानव के पंजे के कौशल का उपयोग कर पाऊंगा। ये सही है, दानव पंजे का कौशल आपको शक्तिशाली होने में मदद करेगा। हालांकि इसमें समय लगता है, बस मृत्यु के चुंबन कौशल का अभ्यास करते रहे। जिस पर आपको मृत्यु के चुंबन का कौशल का उपयोग करना है, आपके पृथ्वी पर पहुँचने के बाद वे आपको देखने वाला पहला व्यक्ति होगा। हाँ, मुझे याद है। लेकिन याद रखना, मृत्यु के चुंबन का उपयोग करने के बाद आपको उस आत्मा को जादुई गेट से नरक मिलाना है। हर आत्मा को वापस लाने की एक समय सीमा होती है। आपको कानून तोड़ने से बचने के लिए ये सब याद रखना चाहिए। हाँ पिताजी। एथन की नजर में वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। जैसा कि मेरी माँ ने कहा था, यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। क्या मैं ये सेब खा सकता हूँ? ओह, मैं तो भूल गया, केवल मरने वाला व्यक्ति ही मुझे देख और सुन सकता है। तुम अंधे हो क्या? क्या तुम मुझे देख सकती हो? मैं अंधी नहीं हूँ, तुम पागल हो। ये देखकर कि एथन अजीब था, लड़की गुस्से में सड़क के अंत में एक पब में चली गई। एथन आश्चर्यचकित था और फिर उठकर उसके पीछे चला गया। ये पता चला कि जिस लड़की से एथन पहले टकराया था उसका नाम जूलिया था। वो इस पब में एक वेट्रेस थी। सभी को हेलो। जूलिया, जूलिया। पब के खुशनुमा माहौल ने एथन ने अपने आसपास के दृश्यों को देखने के लिए एक शांत जगह को चुना। जूलिया की बात करें तो वो एक खास व्यक्तित्व वाली लड़की थी। क्या आज कुछ नया है? ये वाला जूलिया। वो अक्सर ऐसे खेल खेलती थी जिसमें कौशल और ताकत की आवश्यकता होती थी, जैसे कि चाकू फेंकना और हाथ की कुश्ती, जिससे हर कोई उसका आनंद लेता था और उसे पसंद करता था। जूलिया के आने के बाद से ही हर कोई खुशी से हंस रहा था। जूलिया की मुस्कान को देखकर एथन भी उसके सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। वे मुस्कान बहुत सुंदर है। लेकिन फिर इस हलचल भरे माहौल के कारण एथन जल्द ही पहले वाले उबाऊ मूड में लौट आया। एथन सोच में डूबा हुआ था जब अचानक एक शराबी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अरे दोस्त, चलो मजे करते हैं। ठीक है दोस्त। रात होने के बाद पब बंद हो गया और जूलिया घर चली गई। बेशक एथन अभी भी अपने शिकार का पीछा कर रहा था। जूलिया एक गली में मुड़ी, एथन भी गली में मुड़ गया, लेकिन अचानक उसे जूलिया का एक जोरदार मुक्का लगा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मृत्यु का देवता हूँ। तुम वो पहली व्यक्ति हो जिसकी आत्मा को मुझे नरक ले जाना है। मजाक करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या आप इस आदमी को देख सकते हैं? क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? ये बहुत सुंदर है। झूठ है। जूलिया का गुस्से वाले बर्ताव को देखकर एथन को वो और भी अधिक दिलचस्प लगने लगी। ये लड़की जिद्दी है लेकिन बेहद दिलचस्प भी। वैसे भी ये मेरा पहला चुंबन है, मुझे इसे मधुर और यादगार बनाना चाहिए। मैं जूलिया को उसकी इच्छा से चूमूंगा। जब लगभग सुबह हुई तो पड़ोस में आग लगने का शोर सुनकर जूलिया जाग गई। वो जल्दी से मदद करने के लिए दौड़ी। हाँ?
आग तो बहुत बड़ी है, मैं इसे कैसे बुझा सकती हूँ। अचानक आग में से एक सुंदर और शक्तिशाली महिला बाहर निकली। ये मृत्यु की देवी हेल थी, जो पड़ोसी की आत्मा को ले जा रही थी। तुम्हारा पहला शिकार अच्छा लग रहा है। मेरा पहला शिकार गंदा और बदबूदार था। तुम सौभाग्यशाली हो। मृत्यु की देवी हेल ने एक जादुई गेट खोला, जिसने उसके पड़ोसी की आत्मा को नरक में खींच लिया। जूलिया ने ये सब देखा। वो हैरान और डरी हुई दोनों थी, इसलिए वो बेहोश हो गई। वो मेरा पड़ोसी जूलिया। अगली सुबह जब जूलिया उठी तो वो अच्छा महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी। लगता है ये सिर्फ एक सपना था। तुम अब भी यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं मृत्यु का देवता हूँ। मुझे तुम्हारी आत्मा को ले जाना होगा, जैसे मृत्यु की देवी हेल आज सुबह तुम्हारे पड़ोसी की आत्मा को ले गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इन सींगों को देखो, मृत्यु के सभी देवता के पास ये होते हैं। इसका मतलब ये सब सच है? क्या मेरा जीवन समाप्त होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे अभी भी बहुत से काम करने बाकी है। तुम अपने भाग्य से भाग नहीं सकती। भले ही मैं ये ना करूं, तो कोई दूसरा मृत्यु का देवता ऐसा करेगा। वे आपकी आत्मा को आपके शरीर से हर कीमत पर अलग कर देंगे। इसके बजाय अपने लिए सबसे कोमल मृत्यु को चुनो। मेरी मृत्यु होने वाली है, ठीक है, तो फिर कृपया मेरे साथ एक आखिरी बार भोजन करो। वैसे भी हमें बात करने का मौका नहीं मिला है। वाइन और भोजन से भरी मेज पर जूलिया और एथन को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। मुझे तुम्हारा नाम जानने का मौका मिला ही नहीं। मेरा नाम एथन है, मैं मृत्यु के देवता का बेटा हूँ। तुम शायद नहीं जानती हो कि वो कौन है। तुम्हारा नाम जूलिया है ना? पब में बूढ़ा आदमी तुम्हें इसी नाम से बुला रहा था। हाँ, ये सही है। बातचीत के दौरान जूलिया ने एथन के साथ अपने घर के बारे में बताया, जहाँ वो पैदा हुई थी। क्या तुम यहीं से हो? मैंने देखा कि तुम उस दिन पब में उन लोगों के बहुत करीब थी। मैं शहर के बाहर एक गरीब गांव अम्बी में पैदा हुई थी। मैं यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई हूँ। मैं अपने गांव से बहुत प्यार करती हूँ। वो जगह जहाँ मेरा परिवार है, जिसे मैं हमेशा याद करूँगी। ये सुनकर एथन के मन में जूलिया के लिए सहानुभूति पैदा हुई। उसने उसके लिए अपने परिवार की भी कुछ पुरानी यादों के बारे में बात की। मुझे भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। मेरे पिता सख्त हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जूलिया को अब देखने पर वो इतनी गुस्से वाली छवि से अलग लग रही थी। एथन ने उसे प्यार और परिचित महसूस किया। एथन को हंसते और बात करते देख उसने इस अवसर का फायदा उठाया। जूलिया ने अचानक एथन से उस मृत्यु के चुंबन के बारे में पूछा, जिसके बारे में उसने कहा था। तुमने मृत्यु के चुंबन का जिक्र किया था। हाँ? ये कैसे होगा? मैं तुम्हें चुमूंगा, फिर तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मेरा पहला चुंबन है, इसीलिए मैं भी इसे तब करना चाहता हूँ जब तुम खुद तैयार हो। जैसे ही उसने बात खत्म करी, एथन मेज पर गिर गया, क्योंकि वो बहुत अधिक नशे में था। जूलिया ने उस मौके का फायदा उठाया और एथन से दूर भाग गई। जब एथन को होश आया तो जूलिया कहीं नहीं मिली। वो सोच रहा था कि वो कहां जा सकती है। फिर अचानक एथन ने टेबल पर उसके परिवार के साथ उसकी एक तस्वीर देखी। क्या वो अपने गांव वापस जा सकती है? एथन ने याद करने की कोशिश की कि जूलिया ने पहले क्या कहा था। अम्बी, ये सही है, वो अम्बी थी, वह वहां गई होगी। अम्बी, लेकिन मुझे वो जगह कैसे मिलेगी? अच्छा, अंधेरा होने वाला है, मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अम्बी, गांव अभी काफी दूर है, अलविदा। अम्बी पहुंचने के बाद मेरा संदेश पहुंचा देना, अलविदा। वो अम्बी गांव जा रहा है, मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। जूलिया के बारे में सड़क पर चलते हुए लंबे दिन के बाद उसने आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के पास रुकने का फैसला किया। मुझे कल का सफर जारी रखने के लिए ताकत हासिल करनी होगी, अभी मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। जूलिया सुंदर तारों वाले आकाश को देख रही थी, जिसे वो शायद फिर कभी नहीं देख पाएगी। तभी अचानक उसके सामने एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। मृत्यु की देवी हेल ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन हेल उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी। हमें जाना होगा लड़की। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? मैं नहीं, वो करेगा।
जूलिया ने डरावने बाघ को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे की सड़क उसे खाई के पास ले जाएगी। एथन सड़क के नीचे भूसे के ट्रक पर सपना देख रहा था जब उसने किसी की चीख सुनी। वो तुरंत उठा और उसने चट्टान पर जूलिया की छाया देखी। जूलिया, कोई है, मेरी मदद करो। जूलिया मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बाघ जूलिया पर हमला करता है तो क्या मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाएगा? फिर मुझे उसकी आत्मा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर जूलिया ने खुद को बचाने की कोशिश की। बाघ जूलिया पर कूदने ही वाला था कि एथन ने सामने आकर उसे एक भयंकर मुक्का मारा। एथन ने जूलिया को बेरहमी से मरने के लिए नहीं छोड़ा। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। एथन ने बाघ को घूसा मारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एथन और जूलिया पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। जूलिया ने ये देखा और तुरंत एथन की मदद करने के लिए सामने आ गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाघ के पंजे से घायल हो गई। तीनों अपना संतुलन खो बैठे और चट्टान से गिर गए। सौभाग्य से एथन ने जूलिया को खाई से बाहर निकलने में मदद की। जूलिया, तुम्हारे कंधे पर चोट लगी है। मृत्यु की देवी हेल ने वो सब देखा जो एथन ने किया था और गुस्से में उससे पूछा और उसका सामना किया। एथन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो तुम नियमों को तोड़ दोगे। एथन, कृपया मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा और समय दे दो। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से भाग्य के साथ चली आऊंगी। मुझे पता है कि जब तक मैं इस मिशन को 36 घंटे के पहले पूरा करता हूं, तो मैं कानून नहीं तोड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि ये समय से कर लूंगा और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करूंगा। मृत्यु की देवी हेल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जूलिया पर हमला करने के लिए अपने दानव पंजे का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन एथन जूलिया के सामने आकर उसे रास्ते से हटाने में कामयाब रहा। एथन, मैंने तुम्हें सलाह देने की कोशिश की, लेकिन तुम फिर भी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? या बाद में मुझे दोष मत देना। अपनी अजीब चालों के अलावा तुम मुझसे लड़ना भी चाहते हो, तुम्हारे सपनों में। अपनी हार स्वीकार कर लो। जूलिया, भागो। एथन और जूलिया को भागते हुए देखकर हेल ने जूलिया की ओर अपने दानव के पंजे से हमला किया। तुम भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। अपने पीछे कुछ महसूस करते हुए एथन घूम गया और तुरंत जूलिया के लिए दानव के पंजे का हमला अपने ऊपर ले लिया। इस बार दोनों अपना संतुलन नहीं रख पाए, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया और वे चट्टान से नीचे गिर गए। क्या एथन और जूलिया सुरक्षित रह पाएंगे? जूलिया पर हमला करने के लिए हेल आगे क्या करेगी? अगले एपिसोड की प्रतीक्षा के लिए वो फेरी टेल्स के साथ बने रहे। Fairy Tales.